नमस्कार मित्रों, शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले पीटीटी थर्ड काउंसलिंग बारे में। तो दोस्तों, जो थर्ड काउंसलिंग है वो उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो गया है। तो इसके जो पेपर में जैसे भी इसकी न्यूज़ आई तो कुछ स्टूडेंट थे उन्होंने कहा ये वीडियो फेंक बनाइए, लेकिन ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी ये आ गया। इसकी जो वेबसाइट है वो आप www.ptetmdsu2018.com पे जाओगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल आ जाएगी। और आज इसका जो नोटिस है वो जारी हुआ। आपको इसकी मैं डेट दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, इसकी 5/8/2018 इसकी जो आज की डेट है ये। तो ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है पीटीटी, इस पर जाके आप इसको देख सकते हैं। तो जो पीटीटी फोर वर्षीय प्री बीएड बीएससी बीएड 2018 तक ये विशेष काउंसलिंग की सूचना महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये विज्ञप्ति संख्या 8 है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी यहाँ पे दी हुई है www.ptetmdsu2018.com। तो दोस्तों, इसके जो स्टार्टिंग डेट है जो कॉलेज जो इसकी तृतीय काउंसलिंग है तो रजिस्टर करवा कर शुल्क 5,000 ऑनलाइन है तो आप बैंक में जमा करवाना 6/8/2018 से 8/8/2018, यानी कि लगभग कॉलेज चॉइस है वो लगभग कल शाम तक स्टार्ट हो जाएगी। चांद सुबह का है लेकिन शाम तक तो ये श्योर हो जाएगा कि ये तरती काउंसलिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वो इस प्रकार है। जो इसमें ये तरती काउंसलिंग है तो महाविद्यालय के विकल्प ऑनलाइन भरना 6/8/2018 से 9/8/2018 शाम 5 बजे तक ये भरे जाएंगे। और जो तरती काउंसलिंग पर साथ आवंटित महाविद्यालय सूचना, जैसे आपको कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उसकी सूचना 10/8/2018 को प्रातः दे दी जाएगी। और प्रवेश सेतु शेष शुल्क राशि है जो आपके 22,000 रुपये शेष जो राशि है वो ऑनलाइन जमा करवाने हुई ई मित्र या बैंक के माध्यम से आप इसको जमा करा सकते हो। 10/8/2018 से 14/8/2018 शाम 4 बजे जमा करवानी होगी। और तृतीय काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग 10/8/2018 से 14/8/2018 तक आपको इसकी रिपोर्टिंग करवानी होगी। और शेष नियम हो सकते हो जो पूर्व में दिए गए थे वही लागू होंगे। तो दोस्तों, आपकी ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि ये आपकी थर्ड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगले हम इस कुछ ही देर में इसमें एक वीडियो आने वाला है, उसमें हम बताएंगे इसमें कौन कौन सी स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपसे एक मेरी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। और वीडियो यदि अच्छा लगा हो, यदि आपको कुछ खबरें लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।